नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीओ अजय astromoneyguru.com आपसे मुखातिब होता हूँ आज 22 सितंबर सन 2021। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़, कमोडिटी मार्केट, कॉपर एल्युमिनियम, बेस मेटल एवं शेयर बाज़ार में होने वाली विशेष हलचल। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन आज संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में। 7 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं, आज मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। विशेषकर ध्यान रखिए 3 से 4 बजे के बीच। और जल तत्व की राशि 3 राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लेकिन शाम को 8 से 9 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा, हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको गवार सीड, प्याज, जीरा जैसे एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर अपना नज़रिया दिया था। आज हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कपास यानी कॉटन के अंदर आने वाले 3 से 5 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर कॉटन की फसल भी बाज़ारों में देखने को मिलेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून का अब विशेष प्रभाव भी शुरू हो सकता है। दोस्तों कॉटन यानी कपास के अंदर आने वाले 2 से 3 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको याद होगा जुलाई अगस्त में हमने आपको यही आपको आगाह किया था कि औसत से कम बरसात होने की संभावना है, 30% कम बरसात अगस्त के महीने में दर्ज हुई, जबकि 30% अधिक बरसात सितंबर मंथ के अंदर दर्ज हो चुकी है और अभी भी 8 दिन बाकी हैं। सितंबर माह का तीसरा सप्ताह या चौथे सप्ताह के अंदर तेज बरसात जारी रहने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसका लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव संभवतः कपास की फसल पर पड़ सकता है। कपास बहुत महत्वपूर्ण फसल है, याद रखिएगा, कपास की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इससे कपास के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त गवार सीड के अंदर भी आज उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। गवार सीड एक वो फसल है जो कि कारोबारियों के साथ साथ किसान भी इसमें बराबर की रुचि लेते हैं, लेकिन किसानों के पास गवार सीड अब बहुत अधिक मात्रा में संभवतः नहीं है। जिन किसानों ने पिछले 5 से 7 साल तक गवार सीड रखा है, ऐसे बहुत कम किसान ही हैं। कारोबारी जरूर जिन्होंने 5 से 7 साल तक गवार सीड को सहेज के रखा है, लेकिन किसानों के पास गवार सीड की बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, और गवार सीड की फसल भी अक्टूबर माह में आने की उम्मीद है, और अधिक और तेज बरसात गवार सीड के लिए संभवतः मुआफिक ना रहे। तो दोस्तों विशेष ख्याल रखिए, आज जीरे के अंदर भी आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के किसानों के लिए जीरा, गवार सीड, सरसों ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मूंगफली ये इनकी प्रमुख फसलें रहती हैं जिससे इनके जीवन व्यापन होता है, लेकिन इस बार मानसून ने बहुत हैरान परेशान पश्चिमी राजस्थान के किसानों को किया है। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि सरकार को आपदा प्रबंधन के जरिए जिन किसानों को बेमौसम बरसात, अधिक या कम बरसात से नुकसान हुआ है, उनके लिए भी कुछ चिंता या प्रयोजन अवश्य करने चाहिए। ये समय है इन किसानों के लिए, इन कारोबारियों के लिए जो इसमें परेशान हैं, उनके लिए मरहम लगाने का। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी दरखास्त है या प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। ये था कृषि जींसों के अंदर होने वाली हलचल। अब शेयर बाज़ार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं।
शेयर बाजार में आपको याद होगा हमने कल होटल इंडस्ट्रीज के ऊपर बात की थी, मेटल स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर भी आपसे बात की थी जो कि सत्य साबित होती नज़र आ रही है। आज आप टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC जैसे शेयर्स पर नज़र रखें। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के अंदर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पर नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मीडिया कंपनी के जी ग्रुप के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, उसमें भी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। कमोडिटी, नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर तांबा बेस मेटल का राजा कहलाता है, कॉपर के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, भारत की इन रहस्यमय विद्याओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और भारत को पुनः विश्वगुरु का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, तो हमारी पौराणिक विद्याओं को प्रमोशन, उसमें लगातार रिसर्च और खोज अत्यंत आवश्यक है। यदि आप हमसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीखना चाहते हैं जो कि क्लासेज हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेरी गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।